सुनिएगा, अगर आपके परिवार में, इष्ट मित्रदारों में ऐसे कोई दंपति हैं जिनके संतान नहीं हो रही, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने रघुवंशम, महाभारत और आधुनिक विज्ञान, इन तीनों के मेरे भाई बहनों सम्मेलन से एक ऐसा सूत्र प्रकट किया है, उसका पालन करके निश्चित 2.5 वर्ष में कोई बाज से बाज नारी भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगी 100% गारंटी के साथ। अगर किसी नारी के संतान नहीं होती मेरे भाई बहन, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक तो माँ के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया, या फिर ट्यूब का जो मुंह है वो सिकड़ा हुआ है, नहीं होगी संतान। दूसरा, अगर पिता में कोई कमी है तो भी संतान नहीं होगी। और तीसरा कारण, पाप दोष या श्राप दोष, कोई पिछले जन्म का मेरे भाई बहनों पाप अड़ रहा हो या किसी का कोई श्राप लग गया हो तो भी संतान नहीं होती। 3 कारण होते हैं और तीनों का समाधान गाय माता के पास है। अगर संतान नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण यह है कि पुरुष में कोई कमी बताई है डॉक्टर ने, तो मेरे भाई बहनों उसके लिए 3 नियमों का पालन करना है। सुबह उठकर के खाली पेट गौमूत्र पीना है। दिन में भोजन करें उस समय 1 कटोरी गाय माता के दही में मूंग के दाने जितना चुना मिलाकर के खाना है। और रात को सोते समय शालम मिश्री, शालम पंजा, कोंच बीज, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली और केसर, ये 7 चीजें मेरे भाई बहनों दूध में डाल करके, इसका चूर्ण बना के दूध में डाल करके पी जाना है। अगर कोई समस्या आ रही है भाइयों के, तो मेरे भाई बहनों सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर माँ को समस्या बताई है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, तो गौ कृपा से मेरे भाई बहनों निश्चित 2.5 साल के भीतर भीतर संतान की प्राप्ति हो जाएगी और वो नारी अपने सिर पर लगे बांझपन के कलंक को सदैव के लिए मिटा सकती है। क्या करना है माताओं, ध्यान से सुनना। अपने घर के बाहर कच्ची भूमि में मिट्टी खोद करके क्यारी बना लीजिए। अगर घर के बाहर जमीन कच्ची ना हो तो आप लोग गमले का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाहर कच्ची भूमि हो तो बाहर ही आप प्रयोग कीजिए। उस मिट्टी को खोद करके क्यारी बना लीजिए। उस क्यारी में 4 चीजें डालनी है, जंगली जानवर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी, तुलसी माता का पत्ता, बिल्व पत्र और देसी गाय माता जी के गोबर की खाद। इन 4 चीजों को उस क्यारी में डाल दो, नहीं तो गमले में डाल दो। और देसी कपास जो होता है, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, देसी कपास के बीजों को उस क्यारी में अथवा गमले में पास पास रोप दीजिए, नजदीक नजदीक, और रोज थोड़ा 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 पानी छिड़कते रहिए। 1.25 महीने बाद मेरे भाई बहनों वो बीज 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। और जब वो 9 इंच जितने बड़े हो जाए, मुट्ठी में उन पौधों को पकड़ करके जड़ सहित उखाड़ लें। जड़ों को काट काट के अपने पास रखे, पौधों को गौ माता को जिमा दे दें। फिर उन जड़ों को अच्छे से पानी से धो करके साफ करके उसके छोटे छोटे चावल के आकार जितने टुकड़े कीजिए। कपास की जड़ों के छोटे छोटे चावल के दाने जितने टुकड़े करने हैं। और देसी गाय माता के दूध में उन कपास की जड़ को डाल करके खीर बनानी है। चीनी की जगह उसमें मिश्री मिलानी है, जैसे माताएं चावल की खीर बनाती है ना, उसी तरह चावल की जगह उसमें कपास की जड़ डाल करके खीर बनानी है और 1.25 महीने तक उस नारी को पिलानी है जिसके कोई संतान नहीं हो रही है। दूसरा नियम, कोई बहुत बुढ़े बेल भगवान है जिनकी आयु अधिक हो गई है, उनका मूत्र एक कांच की बोतल में भरे और वो नारी उसको रोज सूंघे। पीना नहीं है, मात्र सूंघना है। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, तो आप महाभारत जी के अनुशासन पर्व में मेरे भाई बहनों राजा विराट और सहदेव जी के प्रसंग को पढ़कर देखना। विराट पर्व में राजा विराट और सहदेव प्रसंग को पढ़कर देखना, आप स्पष्ट मेरे भाई बहनों उसमें लिखा हुआ पाएंगे कि बुढ़े बेल भगवान के मूत्र को सूंघने मात्र से भी कोई बांझ नारी, बंध्या नारी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। ये महाभारत जी में लिखा है, लेकिन आजकल हमने बेल भगवान की तुलना ट्रैक्टर से की है। पहले खेती में काम आते थे इसलिए घर में रखते थे, अब काम नहीं आ रहे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन खेती के अलावा भी बेल भगवान का बहुत उपयोग है मेरे भाई बहन। तो उन्हें बुड्ढे बेल भगवान का मूत्र उस नारी को रोज सूंघाना है।
अगर आपको अध्यात्म और शास्त्रों की बात समझ में नहीं आवे, थोड़ा वैज्ञानिक हो आप, तो विज्ञान की बात कर ले, क्योंकि चार किताबें ज्यादा पढ़ने के बाद फिर धर्म की और अध्यात्म की बातें थोड़ी कम घट में बैठती हैं, विज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा बैठती हैं। तो आप विज्ञान की बात सुन लीजिए। अगर किसी नारी के यूट्रस में यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो मेरे भाई बहन उसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि अमोनिया नाम की गैस से धीरे धीरे सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये विज्ञान मानता है कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन अमोनिया नाम की गैस से खत्म हो जाता है। और विज्ञान ये भी मान चुका है कि जैसे जैसे बेल भगवान अपनी आयु बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनके मूत्र में अमोनिया नाम की गैस बढ़ती जाती है, जिसके सूंघने मात्र से ही वो नारी गर्भ धारण की मेरे भाई बहनों क्षमता प्राप्त कर लेती। तो दूसरा नियम बुड्ढे बेल भगवान के मूत्र को सूंघना। और तीसरा नियम, कोई देसी गाय माता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एक गाय माता लानी पड़ेगी। मेरे भाई बहनों, संतान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एक गाय माता को लाकर पति पत्नी प्रेम से उनकी सेवा करें, मां मानकर भगवान मानकर उनके पीठ पर हाथ घुमाए, गले में हाथ घुमाए, स्वयं भोजन करने से पहले उत्तम रोटी गाय माता को जिमाए और हरिवंश पुराण का पाठ करें। मेरे भाई बहनों, ढाई साल अंतिम समय सीमा है, ढाई साल के भीतर भीतर निश्चित उस सुने घर में किलकारियां गूंज ही उठती हैं। अभी तक हमारे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान ने जिन जिन बेटियों को इस नियम का पालन का मेरे भाई बहनों उपदेश दिया, कई सारी ऐसी माताएं जिनके विवाह के 10, 12, 15 वर्ष बीत रहे थे, कोई संतान नहीं हुई, लेकिन गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार जैसे ही उन्होंने इस नियम का पालन किया, आज उनके घर में किलकारियां गूंज रही हैं। निश्चित संतान की प्राप्ति करवा सकती है गाय माता। और अगर तीसरा कारण कोई पाप दोष या श्राप दोष, कई बार डॉक्टर को दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं डॉक्टर, सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो पाती है, तो उसके पीछे मेरे भाई बहनों पाप दोष या श्राप दोष कारण होता है। उसके लिए भी समाधान मेरे भाई बहनों बताया है। गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो नारी जिसके मां बनने में कोई समस्या आ रही है, ऐसी नारी जहां पर विश्राम करती है, उसके चारों तरफ उस राख से मेरे भाई बहनों घेरा बना दीजिए। अगर कोई पाप दोष है, कोई श्राप दोष है जिससे संतान नहीं हो रही है, तो भी गौ माता जी की कृपा से सारी समस्या खत्म हो जाएगी मेरे भाई बहनों। तो गाय माता की कृपा से नि संतान व्यक्ति संतान प्राप्त कर सके।